साथियों नमस्कार, एग्जाम फिफ्टी सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, अब हम पेट की तैयारी के लिए एग्जाम फिफ्टी सेंटर की टीम पूरी तरह से तैयार है। आप लोग भी अब तैयार हो जाइए और अपनी पेट की तैयारी को काफ़ी सुदृढ़ बनाने का प्रयास आप लोग अच्छे मन से और अच्छे ढंग से करिए। दोस्तों, आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं ये स्ट्रेटजी बनाने के लिए कि आज पेट की तैयारी के लिए हम लोग इस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और कितना पढ़ें, ताकि जो हमारा स्कोर है पेट में वो इतना हो कि हमारा जो परसेंटाइल 99 प्लस हो जाए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा फार्म पेट में पड़े हुए हैं, तो ऐसे में कंपटीशन जो है काफ़ी तगड़ी होने वाली है। दोस्तों, तो ऐसे में आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी ढंग से होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, तैयारी करने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी चीज़ पाएँ, कहीं से भी पाएँ और बिना किसी दिशा के उसको पढ़ते जाएँ। दोस्तों, आपको सबसे बड़ी चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि आपको पेट की तैयारी के लिए एकदम सटीक पढ़ना होगा, जिससे आप लोगों को जो इसमें कंटेंट मिले वो जो आप यहाँ पढ़ भी जाए वो आपको परीक्षा में देखने को मिल जाए। दोस्तों, इसी के लिए हम लोग इसी पर बात करते हुए आगे बढ़ते हैं और पेट परीक्षा में सफलता के लिए मुख्यतः तीन बातों पर हम लोगों को ध्यान देना होगा कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, और दोस्तों दूसरा हम लोग बात करेंगे कि उस चीज़ को हम लोग कैसे पढ़ें, और दोस्तों तीसरा जो हम लोग बात करेंगे कि हमें कितना पढ़ना चाहिए। दोस्तों, हम लोग अपने पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। दोस्तों, आइए बात करते हैं हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, पेट का सिलेबस जब आप देखेंगे उसको ध्यान से, जैसा कि मैंने भी सिलेबस के बारे में आप लोगों को जानकारी प्रदान किया है और आज फिर से आप लोगों के साथ चर्चा के लिए कि उस स्ट्रेटजी को कैसे और बेहतर बनाएं, उसमें पहला पॉइंट क्या पढ़ें। तो दोस्तों, आप लोगों को वही पढ़ना है जो पेट के सिलेबस में दिया गया है। दोस्तों, उस सिलेबस से बाहर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देखे होंगे सिलेबस में, तो आप लोग देखे होंगे हर एक जो सेक्शन है, जैसे भारतीय इतिहास है, भारतीय संविधान है, लोक प्रशासन है, फिर भूगोल है, प्रारंभिक अंकगणित है, हिंदी है, इंग्लिश का सेक्शन है। तो दोस्तों, ऐसे में इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप लोग ये समझें कि हमें उस चीज़ में क्या पढ़ना है। दोस्तों, जैसे अगर हम बात करें भूगोल में, तो दोस्तों भूगोल में अगर आप देखिए, दोस्तों भूगोल का क्षेत्र जो है बहुत बड़ा है। अगर आप भूगोल पढ़ने लग जाएंगे कि नहीं हमको पेट की परीक्षा देना है तो हमको भूगोल पूरा पढ़ लेना है, और दोस्तों आप पूरा भूगोल जो है लगेंगे अफ्रीका के हर एक देश के बारे में पढ़ने, तो दोस्तों ठीक है, जानकारी के लिए तो अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, अगर आप पेट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप एक गलत दिशा में तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ जो पेट की परीक्षा में पूछा जाए दोस्तों, जहाँ से आने की संभावना हो, बहुत ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों देखिए, जो आपका दिमाग है, दिमाग दोस्तों परीक्षा में चलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फालतू की चीज़ें इधर उधर की बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो दोस्तों निश्चित रूप से आप लोगों के लिए दिक्कत होगी। तो कुल मिलाकर आप लोग सिलेबस में जो दिया गया है सिर्फ उसी पर अपना ध्यान फोकस करिए, पेट परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। दोस्तों, जैसे अगर हम थोड़ा सा आप लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएं, तो आप लोगों को मालूम होगा कि जो प्रारंभिक अंकगणित जो पूछा जाएगा पेट परीक्षा में, इससे आपको टोटल 5 मार्क के प्रश्न पूछे जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी
आपको 5 मिल जाएंगे इस सेक्शन से। तो दोस्तों इसमें आपको देखिए पूर्ण संख्या भिन्न दशमलव, इसके अंतर्गत ही प्रतिशतता, इसके अंतर्गत ही साधारण अंकगणितीय समीकरण, इसके अंतर्गत ही वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, और फिर औसत। आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है दोस्तों, और इतने में ही आपको प्रारंभिक अंकगणित के 5 मार्क्स मिल जाएंगे। अब दोस्तों अगर आप ये समझ लेते हैं कि भाई मुझे अंकगणित जो है पूरा पढ़ लेना है दोस्तों, और इसमें आप और भी जो चीज़ें हैं उनको काफ़ी विस्तृत तरीके से अगर पढ़ने लगते हैं, तो दोस्तों ये निश्चित रूप से वो आपको परीक्षा में पूछे नहीं जाएंगे, और आप सिर्फ अपना दिमाग जो है अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा कंटेंट दे करके उसके ऊपर आप लोग पढ़ा रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले आप सिलेबस को जो वीडियो में मैंने डाला हुआ है उसे आप लोग जाकर देखें, और उसमें समझें कि किस कंटेंट से कितना जो है मार्क्स पूछा जा रहा है दोस्तों। तो सिलेबस की पहले आप लोग जानकारी जरूर कर लीजिए, और सिलेबस आप लोग, मैंने खुद वीडियो बनाया हुआ है सिलेबस पर दोस्तों, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। और दोस्तों उस चीज़ को आप लोग सबसे पहले समझिए, क्योंकि दोस्तों देखिए मैं एक बार फिर से दोहराना चाहता हूँ, किसी भी चीज़ में अगर सफलता पाना है तो दिशा बहुत जरूरी है दोस्तों। दिशा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सही दिशा में अपनी मेहनत को कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे दोस्तों। दोस्तों आखिर आप सोचिए कि जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने फार्म भरा हुआ है, बच्चे सारे पढ़ तो रहे हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ का 99+% होगा, कुछ का 95+% होगा, कुछ का 90+% होगा, कुछ का इससे भी कम होगा, कुछ का और कम होगा, कुछ का बहुत कम होगा। तो दोस्तों आखिर ऐसा क्यों है? दोस्तों ऐसा इसलिए नहीं है कि वो बच्चे पढ़ते नहीं हैं या वो बच्चे तैयारी नहीं करते हैं, हो सकता है 2% होगी, लेकिन दोस्तों अधिकतर बच्चे तैयारी करते हैं, पढ़ते भी हैं, अच्छा खासा पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका मार्क्स कम हो जाता है। दोस्तों इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ वही वजह है कि वो जो है अपनी तैयारी जो करते हैं वो सही दिशा में नहीं कर पाते हैं दोस्तों। उनको ये मालूम नहीं होता है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए जितना इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप हमें क्या पढ़ना है, उससे थोड़ा ज़्यादा ही ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये डिसाइड करना कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आप लोग समझे होंगे कि आप लोगों को क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। दोस्तों क्या पढ़ना है जो सिलेबस में हो, सिलेबस का आप लोग बहुत ही घनता से अध्ययन करिए, सिर्फ उन्हीं को आप लोग अच्छे से पढ़िए दोस्तों। अगर जो चीज़ें सिलेबस में नहीं दी गई हैं उनको आप लोग पढ़ने में अपना टाइम न व्यर्थ करें। अब दोस्तों दूसरा टॉपिक आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए, कैसे पढ़ें। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्टेज होता है दोस्तों कि कैसे पढ़ें। तो दोस्तों आइए समझते हैं कि कैसे पढ़ना है ताकि आप लोग अपनी सफलता को काफ़ी इम्प्रूव कर सकें। दोस्तों सबसे पहला आता है देखिए दोस्तों तरीका। तरीका बहुत मायने रखता है किसी भी एग्जाम में। कैसे पढ़ना है दोस्तों, आप अगर किसी की नकल करके पढ़ रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि आपके बगल का कोई लड़का है वो किसी अन्य तरीके से पढ़ रहा है, आप भी उसी तरीके से पढ़ने लगे, ये दोस्तों सबसे गलत तरीका होता है। आप अपनी क्षमता को पहचानिए दोस्तों, जैसा वो पढ़ रहा है वैसा ही आप पढ़ेंगे तभी आप भी सफल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता दोस्तों। हर लोगों की क्षमता अलग अलग, और सबकी क्षमता जो है अलग अलग और अपने आप में विशेष होती है दोस्तों। आपका तरीका कुछ और हो सकता है, उनका तरीका कुछ और हो सकता है, लेकिन जो बेसिक होता है दोस्तों कि आप किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए सबसे पहले कि आप दिग्भ्रमित ना हो, और दूसरी बात दोस्तों कंसेंट्रेशन, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कंसेंट्रेशन। दोस्तों आप जब पढ़ें तो आपका उस सब्जेक्ट पर
या जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उस पर पूरे कंसेंट्रेशन के साथ पढ़िए दोस्तों। दोस्तों इस पर सबसे बड़ी बात, आप लोग अपना जो कंटेंट पढ़िए उसका नोट्स बनाते जाइए, आप लोग नोट्स बना के पढ़िए दोस्तों। जो चीज़ें आप पढ़िए उसका नोट्स एक बार जरूर बनाइए दोस्तों। नोट्स बनाने से क्या होता है, वो चीज़ें बहुत ही आसानी से आपके दिमाग में फिट हो जाती हैं, और जब एक तरह से ये कहे तो वो सबकॉन्शियस माइंड में जो होती हैं चीज़ें बहुत आसानी से चली जाती हैं। और जब आप नोट बनाए रहते हैं और फिर आपको क्वेश्चन अगर बाद में कहीं आता है तो दोस्तों आप लोग महसूस किए होंगे एक इमेज जो आपके अंदर तैयार होता है, आप लोगों को थोड़ा सा ऐसा समझ में आता है कि हाँ मैंने ये चीज़ ऐसे ऐसे किया था। तो ये चीज़ें आपको परीक्षा में मददगार साबित होती हैं दोस्तों। तो सबसे पहली बात, आप लोग नोट्स बनाएंगे, और दूसरी बात दोस्तों मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आजकल डिजिटलाइजेशन काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है पढ़ने के लिए दोस्तों। ये डिजिटलाइजेशन जो ऑनलाइन यूट्यूब चैनल काफ़ी बहुत ज़्यादा हैं, आप लोगों को कंटेंट के साथ मिल जाते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन ये जितना अच्छा है उतना ही बुरा भी है दोस्तों। अच्छा तब है जब आप किसी एक के कंटेंट के बारे को पढ़ते जाएं, किसी एक चैनल को आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए कि किसकी चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आ रही हैं दोस्तों। बहुत ज़्यादा आप अगर भ्रमित हो रहे हैं कुछ इस चैनल पे तो दोस्तों ये आप अपने आप को भटका रहे हैं दोस्तों। क्या होता है कि सबका तरीका अलग अलग होता है, अगर आपको किसी के पढ़ाने का तरीका बेहतर समझ में आ रहा है तो आप निश्चित रूप से उसी से पढ़िए दोस्तों, क्योंकि जब आप उससे पढ़ेंगे तो आप उसके कम्युनिकेशन स्किल से काफ़ी परिचित हो जाएंगे, तो उसके द्वारा बताई गई चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी और आप को याद भी हो जाएंगे दोस्तों। तो इस मेरे कहने का मतलब यह है, आप लोग कोई एक चैनल डिसाइड कर लीजिए और उसी चैनल से पढ़िए, ठीक है दोस्तों। अगर कोई चीज़ फंस जाती है तो आप निश्चित रूप से सहयोग लेने के लिए किसी भी चैनल का सहयोग ले सकते हैं दोस्तों। यह है कैसे पढ़ें। और दोस्तों एक चीज़ और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को विदित होगा कि अब जो इसका एग्जाम है वो 15 और 16 अक्टूबर को होने वाला है, पहले 18 सितंबर को होना था लेकिन अब जो है ये बढ़ गया है, 15 और 16 अक्टूबर होगा दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपके पास कम से कम 2 महीने का टाइम सीधा सीधा बचता है। तो दोस्तों अभी मैं देख रहा हूँ कि मैराथन क्लासेस चलनी शुरू हो गई हैं। मैराथन क्लासेस दोस्तों 8 घंटे की 7 घंटे की 5 घंटे की मैराथन क्लास करने की आपको क्या जरूरत है दोस्तों। अगर 5 घंटे आप मैराथन क्लास पढ़ रहे हैं तो दोस्तों आप लोग अपने नोट्स को पढ़िए, यकीन मानिए अगर 5 घंटे आप अपने द्वारा बनाए गए नोट्स को पढ़ लेते हैं तो जो 5 घंटे आप मैराथन क्लास कर रहे हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं वो समझ लीजिए कि 50 घंटे के मैराथन क्लास के इक्वल होगा अगर आप 5 घंटे अपने नोट्स को पढ़ेंगे। इसलिए दोस्तों आप अपने नोट्स जरूर बनाइए, अगर आप 5 घंटे अपना नोट्स पढ़ लिए तो उसका मतलब ये हुआ कि आप ये समझिए कि आपने 50 घंटे जो मैराथन क्लास कर लिया दोस्तों। तो नोट्स का इतना इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, एक ही चैनल को पढ़िए, और 15 से 16 अक्टूबर दोस्तों अभी आपके पास 2 महीने का टाइम है, और दोस्तों यकीन मानिए बिना मैराथन क्लास किए अगर रोज आप सिर्फ डेढ़ से दो घंटे आप दोस्तों अगर रोजाना पढ़िए, सिर्फ और सिर्फ 1.5 से 2 घंटे अगर आप रोजाना पढ़िए दोस्तों, तो यकीन मानिए निश्चित रूप से सिर्फ और सिर्फ 40 दिनों में आप पूरा पेट का कोर्स दोस्तों कंप्लीट कर पाएंगे, और वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे, जिससे आप जा करके वहाँ पर 99+ परसेंटाइल का स्कोर करके आएंगे, गारंटी के साथ करके आएंगे दोस्तों। अभी आपको मैराथन क्लास करने की जरूरत नहीं दोस्तों, आप आराम से एक एक कंटेंट को बेहतर तरीके से पढ़ते जाइए, समझते जाइए दोस्तों। एग्जाम विक्ट्री सेंटर की टीम आप लोगों को एक बेहतर प्लेटफॉर्म और बेहतर रणनीति के साथ सभी टॉपिक्स को समझाने में बहुत ही मददगार साबित होगी। आप लोग जुड़िए और एक बार जरूर
इसके वीडियो को आप देखिए, क्लासेस को ज्वाइन करिए दोस्तों, आपको निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा लगेगा और सारी चीज़ें आपको काफ़ी आसानी से समझ में आएंगी। और दोस्तों इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको भी चीज़ें समझ में आएँ कि कैसे उनको क्या करना है, कैसे उनको गलत दिशा की तरफ नहीं चले जाना है। दोस्तों तैयारी करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप सारी चीज़ें पढ़ डालिए, नहीं दोस्तों, अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो एग्ज़ाम में पढ़ाई के साथ साथ समझदारी का होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों समझदारी बहुत बड़ी चीज़ होती है, समझदारी होना आपकी सफलता के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। दोस्तों सिर्फ पढ़ लेना ही आपको एग्ज़ाम में सफलता नहीं मिला पाएगा, अगर आपको सफल होना है तो पढ़ाई के साथ साथ समझदारी भी विकसित करिए। और दोस्तों आप लोग इतने समझदार तो हैं ही, जो मैं कह रहा हूँ उसे आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब दोस्तों आइए थोड़ा सा और देखते हैं कैसे पढ़ें। तो एक चैनल से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और रोज़ाना 1.5 से 2 घंटे एक एक टॉपिक पर आप लोग बड़े आराम से पढ़ते रहिए दोस्तों। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि आप ये डिसाइड कर लीजिए कि मुझे कौन सा सेक्शन किस दिन और कब पढ़ना है दोस्तों, ये भी आप लोग डिसाइड कर पाएंगे और ये डिसाइड करने में आपकी मदद करेगी हमारी एग्जाम विक्ट्री सेंटर की टीम दोस्तों। ये आपको डिसाइड करने में मदद करेगी और आपको पूरी तरह से हेल्प करेगी कि आपको कैसे क्या पढ़ना है और यहाँ पर अच्छे ढंग से आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी दोस्तों। अब आते हैं हम लोग अपने तीसरे टॉपिक पर, कितना पढ़ें दोस्तों। कितना पढ़ना, ये मैंने ऊपर के वीडियो में भी, ऊपर के टॉपिक्स पर भी आपसे चर्चा किया, एग्जाम्पल के माध्यम से अगर मैं आपको समझाऊँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे प्रारंभिक अंकगणित में आपसे पूर्ण संख्या भिन्न दशमलव, फिर प्रतिशतता, साधारण अंकगणित, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत। दोस्तों अगर आप किसी कंपटीशन वाली बुक से पढ़ेंगे तो ये प्रतिशतता, प्रतिशतता के अंतर्गत दोस्तों कई प्रकार के प्रश्न पाए जाते हैं और हर एक प्रकार के प्रश्न के लिए आपको एक अलग ट्रिक जरूर सिखाया जाता है कि आप इस प्रकार के क्वेश्चन को इस ट्रिक से लगाइएगा दोस्तों। पेट में आप लोगों को पता होगा सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क के पूछे जाते हैं दोस्तों, प्रतिशतता के अंतर्गत कम से कम 15 से 20 प्रकार के प्रश्नों का समावेश होता है दोस्तों। तो अगर आप 15 से 20 प्रकार के प्रश्नों के लिए आप अगर 15 से 20 ट्रिक्स याद कर रहे हैं दोस्तों, यानी आप प्रतिशतता लगाने के लिए सिर्फ 15 से 20 फार्मूले को याद कर रहे हैं दोस्तों, आप अपने दिमाग में कितना प्रेशर डाल रहे हैं। जबकि यकीन मानिए दोस्तों, आपसे प्रतिशतता का पेट में सिर्फ और सिर्फ बहुत ही साधारण टाइप का सवाल पूछा जाता है, जो कि आप किसी भी नहीं, बिल्कुल बेसिक रूल से, जो परसेंटेज का बेसिक रूल होता है दोस्तों, बेसिक रूल, आप उसी से इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ एक या दो सूत्र याद करके या पूरे परसेंटेज के सवाल को लगा पाएंगे जो पेट में पूछा जाता है दोस्तों। तो आप बहुत ज़्यादा ट्रिक्स पर ध्यान मत दीजिए पेट पे, बहुत ज़्यादा ट्रिक्स को याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, काफ़ी आसानी से सिर्फ उसके बेसिक को समझिए और बेसिक से ही आपके सारे सवाल हल हो जाएंगे दोस्तों। और एग्जाम विक्ट्री सेंटर की टीम आपको ऐसे सवाल काफ़ी आसानी से हल करके दिखाएगी भी और आपको सिखाएगी भी दोस्तों। इसी तरह से अगर हम वर्ग एवं वर्गमूल की बात करें तो दोस्तों आप जानते होंगे, देखते भी होंगे, आपके पास किताबें भी होंगी, उसमें वर्ग एवं वर्गमूल निकालने के लिए तमाम प्रकार के कंडीशन दिए गए हैं दोस्तों कि 1 से 100 तक ऐसे निकालना है, फिर 100 से 500 रह कैसे निकालना है, इस टाइप के मतलब कुछ तरीके होते हैं जो आप विभिन्न तरीकों को बताया गया है कि किस तरह है तो कैसे करना है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन का मैथ आपसे पूछा जाता है, उसमें आप अगर 5 क्वेश्चन के मैथ के लिए 50 फार्मूला याद कर रहे हैं, क्या मतलब दोस्तों, आपको प्रतिशतता के 20 ट्रिक्स याद करने से बेहतर है कि आप भारत के पड़ोसी देशों के बारे में थोड़ा 1 बार 2 बार की जगह 3 बार 4 बार पढ़ लीजिए और उनको याद कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों वहाँ से क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से आपको वर्ग एवं वर्गमूल के बहुत सारे कंडीशन याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। एक चक्कर मान के चलिए, एक बार के लिए मान लेते हैं, आपको अगर किसी चीज़ का वर्ग पूछ दिया, चलिए मान लीजिए कोई बहुत बड़ी संख्या मान लीजिए 999 ही मान लीजिए, अगर इसका वर्ग आपसे पूछ दिया और आपको कोई तरीका नहीं पता है तो दोस्तों 999 का वर्ग का मतलब ये होता है कि उस संख्या को उसी संख्या से गुणा कर देना,
तो दोस्तों पेट में आपको 100 क्वेश्चन के लिए पूरे 2 घंटे का समय दिया जाता है दोस्तों। 2 घंटे का समय आपको दिया जाता है और यकीन मानिए दोस्तों ये 2 घंटा समय जो होता है 100 क्वेश्चन के लिए, जिसमें मैथ के सिर्फ और सिर्फ अगर ओवरऑल में बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 25 क्वेश्चन पाए जाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा समय होता है। यानी अगर आपको कोई फार्मूला नहीं पता है दोस्तों, लेकिन अगर आपको बेसिक पता है तो आप 999 में 999 का मल्टीप्लीकेशन करके इतना टाइम होता है कि बड़े आराम से इसका वर्ग निकाल लेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है। और सूत्र याद करिए दोस्तों, बेसिक सूत्र याद करिए, चीज़ों को समझ कर याद करिए, बहुत ज़्यादा सूत्र याद करने की ज़रूरत आपको नहीं है। इसी तरह से अगर आप औसत की बात करें तो दोस्तों औसत में भी बहुत सारे नियम और सारे कुछ पाए जाते हैं, लेकिन दोस्तों आप हमारी बात मानिए, एग्जाम विक्ट्री सेंटर की टीम आपको यकीन दिलाती है कि आप सिर्फ और सिर्फ जो औसत का बेसिक फार्मूला होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या बस दोस्तों, आपको औसत के लिए सिर्फ ये एक सूत्र याद रहे, औसत के सारे सवाल आपके लगेंगे और लगेंगे ही नहीं, पेट परीक्षा में आपको इससे संबंधित प्रश्न मिलेंगे और वो इससे हल भी होंगे और आपको पूरे 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 मार्क दे कर आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग समझे कितना पढ़ना है, तो उतना पढ़ना है जितना से आपका काम काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाए, उतना नहीं पढ़ना है कि आपका दिमाग ओवरलोड हो जाए और वो चीज़ें जो पूछी ही ना जाती हों। दोस्तों आपको पता होगा सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इतनी संख्या को अगर आप बहुत विस्तार से पढ़ रहे हैं, हर चीज़ के लिए हर कंडीशन के लिए अलग अलग चीज़ें याद करना, दोस्तों पता है आपको दिक्कत कहाँ होती है, जब आप हर कंडीशन के लिए अलग अलग चीज़ें याद कर लेते हैं दोस्तों, आप सिर्फ कंडीशन अप्लाई करना सीखिए कि ये कंडीशन है तो ये चीज़ें होगा, उसको याद करने की कोशिश नहीं होगी दोस्तों। मैथ में याद करने जैसा कुछ नहीं होता है, मैथ को आप सिर्फ समझिए, अगर आप समझ लीजिए तो काम हो गया दोस्तों। दोस्तों आप यकीन मानिए एग्जाम ड्यूटी सेंटर की टीम आपको बिना कोई मैराथन क्लास दिए आपका कोर्स 40 दिन के अंदर ख़त्म करेगी और आप लोगों को एक अच्छा स्कोर करने में मदद करेगी। दोस्तों आप खुद ही यकीन कर पाएंगे, आप बस जुड़े रहिए, क्लासेस चल रही स्टार्ट प्रवास से हो ही गई हैं, आपको प्लानिंग के अनुसार जो है क्लासेस चलाई जाएंगी। आप लोग एग्जाम मिट्री सेंटर से जुड़िए और आपके जो भी दोस्त हैं या जो भी भाई बंधु हैं जिन्होंने पेट का फॉर्म अप्लाई किया हुआ है उनको उन तक ये सूचना पहुंचाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है, स्ट्रेटजी कैसे बनाना है, कैसे गलत दिशा में नहीं जाना है, सही दिशा में मेहनत कैसे करनी है ताकि 99+ परसेंटाइल स्कोर उनका आ सके और वे आगामी परीक्षाओं में जो यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट्स की परीक्षाएँ आयोजित की जाएंगी उसमें अपने स्थान को सुरक्षित कर पाएँ, इसके लिए उन्हें इनसे जुड़ने का सलाह दीजिए। और दोस्तों आप भी जुड़िए, वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चीज़ों को समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ और आप इसी पर काम करिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा मैराथन क्लास या अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा इधर उधर की चीज़ों में मत लगाइए, सीधा सीधा आप लोग अच्छे से अपने सिलेबस को समझ करके बेहतरीन ढंग से तैयारी करने में जुटिए, नोट्स बनाते रहिए, एग्जाम मिट्री सेंटर से जुड़े रहिए और एग्जाम मिट्री सेंटर आपको अच्छी अच्छी कंटेंट प्रोवाइड करेगी जिससे आप लोगों को अपनी तैयारी में बहुत ही मदद मिलेगा और आप लोग अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे कंटेंट के साथ। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं, जय हिंद।